राधे राधे मित्रों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है दशा माता का व्रत। मित्रों, घर की परिस्थितियों को सुधारने के लिए, ग्रह दशाओं को सुधारने के लिए, शांति सुख और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए किया जाता है दशा माता का व्रत। इस दिन महिलाएं गले में डोरा पहनती हैं, जिसे सांपदा माता का डोरा कहा जाता है। इस साल यानी साल 2020 में 18 मार्च यानी बुधवार को पड़ रहा है दशा माता का व्रत। मित्रों, दशा खराब हो तो अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत कोशिश करने पर भी हमारे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाते। ऐसे ही संकटों को उबारने वाला होता है दशा माता का व्रत। इस व्रत को जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से करता है, उसके घर से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। दशा सही बनी रहे, इसी कामना के साथ दशा माता का ये व्रत महिलाओं द्वारा भक्ति भाव से किया जाता है। व्रत में महिलाएं दशा माता और पीपल का पूजन करके सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति और आरोग्य की कामना करती हैं। महिलाएं शुभ मुहूर्त में पीला धागा गले में धारण करती हैं। मित्रों, पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, पहला शुभ मुहूर्त सुबह के 6:34 से सुबह के 9:34 तक का है और दूसरा अच्छा मुहूर्त है सुबह के 11:05 से दोपहर के 12:35 तक का। तो इस शुभ मुहूर्त में पूजन कीजिए माता का। तो चलिए अब देखते हैं दशा माता का पूजन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप पूजन सामग्री को एकत्रित कर लीजिए, जिसमें रोली, मौली, सुपारी, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, काजल, गेहूं और मेहंदी आदि सामग्री अवश्य होनी चाहिए। और साथ में सफेद धागा लीजिए, उसमें गांठ बना लीजिए और उसे हल्दी से रंग लीजिए। इस धागे को कहा जाता है दशा माता की बेल। ये भी ध्यान रखिएगा कि दशा माता का व्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं या तो अपने शादी का जोड़ा पहनती हैं या नए लाल वस्त्र पहनती हैं और पूरा श्रृंगार करके ही ये पूजन किया जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में कच्चे सूत के 10 तार के 10 गांठ वाले डोरे से पीपल का पूजन किया जाता है और सुनी जाती है नल दमयंती की कथा। तो पूजन में आपको क्या कैसे करना है, सुबह स्नान आदि कर लीजिए, इसके पश्चात आप व्रत का संकल्प लीजिए। इस व्रत में दशा माता की मूर्ति या चित्र का पूजन किया जाता है। अगर आपके पास मूर्ति या चित्र नहीं है तो नागर बेल के पान के पत्ते यानी जो पूजा में काम आने वाले डंडी और नोक वाला पत्ता होता है वो पर चंदन से दशा माता बना करके आप पूजन कर सकते हैं। ये पूजा पीपल के पेड़ के पास या घर पर की जाती है। दशा माता के पास कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10-10 बिंदियां लगाई जाती हैं और भोग के रूप में लापसी या चावल आदि चढ़ाया जाता है। सूत का धागा बांधकर सुख, सौभाग्य और मंगल की कामना करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। पीपल को चुनरी उड़ाई जाती है। 10-10 गेहूं की 10 ढेरियां पास में सजाई जाती हैं। लड्डू, हलवा, लापसी या मीठे रोट आदि का भोग 10 ढेरियों के पास रखा जाता है। 10 गांठों का डोरा पूजा में रखा जाता है। दशा माता और 10 गांठ वाले डोरे का पूजन अक्षत पुष्प आदि से करते हैं। धूप दीप जलाते हैं और इस समय पिछले साल का डोरा भी आप पास में रखते हैं। इसके पश्चात दशा माता की आरती गाई जाती है और उसके पश्चात सुनी जाती है नल दमयंती की कथा। कहानी पीपल के पेड़ की पूजा के बाद भी आप चाहें तो सुन सकते हैं और कुछ लोग इस दिन 10 कहानियां सुनते हैं दशा माता की। पूजा करने और कथा सुनने के बाद महिलाएं दशा माता का पूजित जो नया डोरा होता है उसे बांधती हैं अपने गले में। इस धागे को व्रती महिलाएं पूरे साल धारण करती हैं। इसके बाद गेहूं, भोग और पुराना डोरा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। गेहूं और पिछले साल का डोरा पीपल के जड़ के पास मिट्टी में दबा दिया जाता है या पीपल में बांधा जाता है। पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है। कहीं कहीं दशा माता के पूजन के बाद पथवारी का पूजन भी किया जाता है। पूजन के पश्चात पीपल के पेड़ की थोड़ी सी छाल लेकर के अपने गेहूं के दानों के साथ घर पर आते हैं। इसे साफ कपड़े में लपेटकर तिजोरी या अलमारी में रखा जाता है और पीपल की छाल को धन का प्रतीक माना जाता है और मान्यता ऐसी है कि इस पीपल के छाल को इस प्रकार घर में रखने से सुख समृद्धि बनी रहती है।
व्रत के संकल्प की पूर्ति के रूप में 10 पूरियां, 10 सिक्के और 10 चम्मच हलवा ब्राह्मणी या घर की बुजुर्ग महिला को पैर छू करके उन्हें दिया जाता है। इस प्रकार से दशा माता का पूजन करने से दशा माता की कृपा सदैव बनी रहती है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा मित्रों, दशा माता का जो डोरा होता है उसे साल भर गले में पहना जाता है, लेकिन किसी कारण से अगर आप इसे साल भर नहीं पहन सकते तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन खोलकर इसे रखा भी जा सकता है। उस दिन व्रत करना चाहिए और सांपदा माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इतना भी नहीं पहनना चाहते तो जिस दिन आप पहनते हैं उसी दिन डोरे को रात के समय उतार कर पूजा के स्थान पे रख दें और अगले वर्ष पूजा के बाद पीपल की जड़ में दबा दें। तो इस प्रकार से आप दशा माता का जो डोरा है उसे आप कब पहनेंगे, कब उतारेंगे, वो आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। मित्रों, दशा माता के व्रत के नियम भी कुछ बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि इस व्रत का उद्यापन नहीं होता। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में करना बहुत शुभ माना जाता है। घर में इस व्रत के दिन विशेष रूप से साफ सफाई की जाती है और अनावश्यक जो भी कचरा, टूटा फूटा सामान आदि है उसे फेंक दिया जाता है। साथ ही सफाई से जुड़े हुए सामान यानी झाड़ू आदि खरीदने की परंपरा है। इस दिन घर का पैसा खर्च बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए दशा माता के व्रत में कि आपको किसी भी तरह से ना तो किसी को पैसे देने हैं, ना ही किसी से पैसे लेने हैं, और जो आपकी आवश्यकता की चीजें हैं उसे भी एक दिन पहले ही आपको खरीद कर रखना होता है। दशा माता पूजन के दिन किसी को पैसा उधार नहीं दिया जाता। इस दिन अपने घर की वस्तु भी आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से होना चाहिए। दशा माता व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर में मात्र एक बार एक अन्न का सेवन करती हैं और इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। तो ये थी दशा माता के व्रत से जुड़ी हुई सभी जानकारियां। हम आशा करते हैं ये जानकारियां आपके लिए रुचिकर होंगी। नमो नारायण।